माघ मास की कार्तिक पूर्णिमा पर सोमवार की सुबह श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर पूजा अर्चना की। महानगर के राप्ती नदी में स्नान के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए नदी के किनारे बैरिकेडिंग की गई थी। आपको बता दें कि सोमवार को तड़के गोरखपुर की राप्ती नदी सहित अन्य पवित्र नदियों में कार्तिक पूर्णिमा का पवित्र स्नान शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ डुबकी लगाई। उन्होंने वैदिक रीति से पूजा अर्चना की और अन्न दान कर सुख समृद्धि और शांति की कामना की। इस संबंध में पुजारी शेषनाथ पांडे ने बताया कि आज प्रवर्धमान औदयिक योग बनने से श्रद्धालुओं में पूजा कर अत्यधिक फल प्राप्त होगा। राप्ती और अन्य नदियों पर स्नान के लिए रविवार की देर रात से ही आसपास से श्रद्धालु पहुंचने लगे थे। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए पुजारी शेषनाथ पांडे और एसडीआरएफ की टीम प्रभारी उप निरीक्षक मोहम्मद असलम ने कहा, शेषनाथ पांडे उन्हें इसको बहुत महत्व माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा की जो है इसका बहुत बड़ा महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने का कार्तिक विशेष यही है कि गंगा जी का स्नान करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, कल ही उन्हें यही सबसे बड़ा उनका वो है। कितने श्रद्धालु यहाँ आते हैं? मान के चलिए कम से 1000 से ऊपर तो ही करते हैं उन्हें। कोरोना की वजह से कम है नहीं तो इससे काफ़ी तो आते ही हैं उन्हें। पहले की अपेक्षा इस बार संख्या कुछ कम दिखी? हाँ कुछ कम है।
अविनाश कुमार सिंह। यह आज कार्तिक पूर्णिमा का जो है स्नान था, इस नाते हम लोग जो है हर वर्ष की भांति जो है इस साल भी जो है भंडारे का आयोजन किया गया और जो सफल रहा हम लोगों का जो है अच्छे तरीके से। कोरोना काल में भी जो है इतनी भीड़, हाँ हम लोगों ने कोशिश किया कि सोशल डिस्टेंसिंग और इस सब का पालन किया जाए, लेकिन भीड़ के आगे हम लोग भी जो है नतमस्तक हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा के तहत श्रद्धालु आए स्नान करने के लिए। उस दौरान मेरी SDRF की टीम हनुमान घाट और वैकुंठ धाम तकिया घाट पे जो है ड्यूटी लगी ताकि श्रद्धालुओं को जो है सुरक्षा प्रदान की जा सके और डूबने से बचाया जा सके, ये हमारी टीम लगी हुई है। कितने की संख्या होगी श्रद्धालुओं? श्रद्धालुओं की संख्या हजारों में है और उसकी तत्परता को देखते हुए हमारी टीम अलर्ट करीब रात्रि 2 बजे से ड्यूटी कर रही है। कहीं से कोई अप्रिय घटना अभी तक? नहीं, अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं मिली है जिससे कि जो है कोई अप्रिय घटना हो, और हमारी टीम बिल्कुल मुस्तैद है और श्रद्धालुओं को लगातार जागरूकता अभियान कर रही है कि जो है शांतिपूर्वक धैर्य से स्नान करें।